दोस्तों, मैं कैश आप कर यूट्यूब चैनल और आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाला है रेडमी ईयरफोन्स को रियलमी बड्स क्लासिक के साथ में कि यहाँ पर इन दोनों में से कौन सा जो है वो आपके लिए जो है वो कौन सा बेस्ट हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। अगर बात की जाए इन दोनों ईयरफोन्स के बारे में तो ये सबसे पहले तो ये दोनों ही जो है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग ईयरफोन्स है। इन दोनों की ही अलग अलग डिमांड हो सकती है, अलग अलग यूजर्स हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तो इन ईयर ईयरफोन्स है और एक जो है वो हाफ इन ईयर ईयरफोन्स है। मतलब ये जो रियलमी बड्स क्लासिक है वो प्लास्टिक बिल्ड के साथ में इसके जो ईयरफोन्स आते हैं और यहाँ पर ये हाफ इन ईयर आधे कान में लगते हैं, जिससे यहाँ पर आपके कानों में मतलब उतना दर्द नहीं होता है और यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी आवाज़ भी आ जाती है। लेकिन वहीं पर ये जो Redmi के ईयरफोन्स है वो पूरे के पूरे कानों में घुस जाते हैं और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी एक आवाज़ प्रोड्यूस करके देते हैं, लेकिन यहाँ पर इससे ज़्यादा देर तक अगर आप लगा कर रखते हो तो कानों में दर्द हो जाता है। और यहाँ पर इससे जो वो खास दर्द होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये जो मैंने मतलब फुल रिव्यू में ये कवर नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ स्पीकर की ये जो ओपनिंग है यहाँ पर ये बहुत बड़ी बड़ी है, जिससे ये जो ईयर टिप्स है वो मतलब सिकुड़ती नहीं आपके कानों में जाती है। तो यहाँ पर इतने तो आपके कानों में जगह घेरेगी और अगर इतनी जगह अगर आपके कानों में नहीं है तो फिर आपको दर्द हो सकता है। वहीं पर अगर हम ये जो मेरे पास है रियलमी की बड्स 2 इनको देखें तो यहाँ पर इनकी ओपनिंग जो है बहुत ज़्यादा कम है, जिससे आप इसे जो कंपेयर करके देखो तो यहाँ पर रियलमी बड्स 2 की ओपनिंग बहुत ही ज़्यादा कम है, इससे ऑलमोस्ट आधी है और यहाँ पर ज़्यादा है। तो मतलब यहाँ से आवाज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है, क्रिस्पी आती है, लेकिन यहाँ पर अगर आप इसे ज़्यादा देर तक कानों में लगा कर रखोगे तो ये जो है वो दर्द दे सकता है। तो मतलब यहाँ पर ये एक इसका माइनस पॉइंट हो जाता है सबसे पहले। बाकी अगर और बातें करी जाए तो दोनों की डिज़ाइन जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ये जो रेडमी के ईयरफोन्स है इनके जो ये ऊपर वाले ईयर टिप्स कह दो या फिर ये जो क्या है आप जो कानों में लगा कर रखते हो, ये जो है वो एल्युमिनियम बिल्ड के साथ में आते हैं और यहाँ पर ये जो है वो काफ़ी अच्छे दिखते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक प्रीमियम लुक जो है वो देते हैं और यहाँ पर ये बजट में है, मतलब 400 रुपये में काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक मतलब डिज़ाइन आपको मिल जाती है रेडमी ईयरफोन्स में। जबकि यहाँ पर रियलमी की ये जो क्लासिक है इनमें ये सिंपल डिज़ाइन के साथ में आते हैं, वो 60-70 रुपये वाले आते हैं, वैसे ही देखने को मिल जाते हैं। उसे थोड़ा अलग ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर पहले नज़र में आप जो है उन्हें 400 रुपये के नहीं बोलोगे अगर किसी और के पास में देखते हो तो। अगर यहाँ पर डिज़ाइन के बारे में और बातें करी जाए तो ये जो है वो एल शेप में नहीं आती है, जबकि यहाँ पर रेडमी के ये फ़ोन जो है वो एल शेप ऑडियो जैक के साथ में आते हैं, जिससे ये जो है वो ज़्यादा ड्यूरेबल रहेंगे ऐसा मुझे लगता है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग कहते भी है कि जो एल शेप वाला ऑडियो जैक होता है वो ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होता है, तो ये एक इसका माइनस पॉइंट हो सकता है। बाकी यहाँ पर केबल ऑर्गेनाइज़र मिल जाता है, यहाँ पर नहीं मिलता है। और यहाँ पर अगर बातें करी जाए तो ये जो रिमोट है वो दोनों की ही एक जैसे है, यहाँ पर दोनों ही में ही एक एक बटन आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें यहाँ पर आप वॉल्यूम अप डाउन नहीं कर सकते दोनों ही ईयरफोन्स में। अब ऐसा क्यों है वो मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बता सकते हो। तो ये जो वो ऑलमोस्ट डिज़ाइन के बारे में सारी बातें हो गई। यहाँ पर सिर्फ इतना कहूँगा कि आपके कानों में अगर ज़्यादा दर्द हो जाता है, आप ज़्यादा लंबी देर तक म्यूज़िक सुनते हो, तो ये जो है वो शायद से आपके लिए सही नहीं हो सकते हैं। जो रेडमी के ईयरफोन्स है वो आपके लिए शायद से दर्दनाक हो सकते हैं, बाकी यहाँ पर ये जो रियलमी बड्स क्लासिक है उससे ज़्यादा दर्द कानों में नहीं होता है, होता है लेकिन उतना नहीं होता है जितना इनसे होता है। मैंने पिछले 3-4 दिनों में ये जो यूज़ करके देखे हैं तो मुझे जो है वो सच में दर्द महसूस होता था। तो यहाँ पर ये जो है वो मतलब एक तरीके से इसका माइनस पॉइंट है। तो मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ कि डिज़ाइन में कौन से सही है तो यहाँ पर ये डिपेंड आप पर अब करता है, क्योंकि मुझे जो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे हैं, लेकिन मुझे ये जो डिज़ाइन वाइज ये थोड़े ज़्यादा कंफर्टेबल लगे, बाकी यहाँ पर ये जो है इनसे कानों में दर्द हो जाता है, तो आप ये एक बात जो है वो ध्यान में रख सकते हो। बाकी यहाँ पर अब बात करी जाए इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में, तो साउंड वाइज ये जो है दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, लेकिन यहाँ पर रियलमी के जो ईयरफोन्स हैं वो आते हैं 14.2 mm के लार्ज ड्राइवर्स के साथ में, जबकि यहाँ पर जो है वो आपको 10 mm का ड्राइवर मिलता है। और यहाँ पर अगर साउंड क्वालिटी के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पर दोनों की साउंड क्वालिटी जो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, आप जो मतलब एक तरीके से अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे कि किसकी कितनी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा और ज़्यादा मतलब डीपली जाकर कोशिश करूँ, क्योंकि मैंने इनको इनसे जो है वो एक गाना 5 बार इससे सुना और फिर 5 बार इससे सुना है, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि मतलब कौन सी सही हो सकती है आपके लिए, मतलब मेरे अकॉर्डिंग मेरे टेस्ट के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर जो साउंड है
मुझे जो इसमें मतलब बहुत ज़्यादा क्लियर आती थी, एकदम से क्लियर लगी मुझे साउंड। यहाँ पर बेस जो है वो बहुत कम है, और मेरे साथ मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, इससे थोड़ा जो कम है, और मुझे जो है ज़्यादा बेसिक गाने पसंद नहीं है, ज़्यादा बेस होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से आपको सुनाते हैं, तो मुझे ये थोड़ी साउंड क्वालिटी में बेटर लगे। बाकी यहाँ पर 14.2 mm के लार्ज ड्राइवर्स हैं, और यहाँ पर इसकी साउंड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा सही है। मतलब 600 रुपये के ईयरफोन से ये जो Realme Buds 2 है, इनसे भी Realme Buds क्लासिक की साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। और यहाँ पर मैं आपको कह सकता हूँ कि आप इन दोनों में से कोई भी अगर एक परचेज़ करोगे तो आपको डेफिनेटली साउंड क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों की ही साउंड क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और यहाँ पर आपके हिसाब से ये दोनों ही अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक इन ईयर ईयरफोन्स है, दूसरे ये जो है वो हाफ इन ईयर ईयरफोन्स है, तो आपके लिए ये अलग अलग जो है वो ऑप्शन ज़रूर से है 399 की प्राइस में। बाकी यहाँ पर यही था एक कंपैरिजन वीडियो, आई होप मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है। अगर मुझसे कुछ छूट गया तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि मुझे जो क्या और कवर करना चाहिए था। बस तो बाकी यही था आज के वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई भी सवाल या सुझाव है कमेंट कीजिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, पसंद आने का तो बता जाना, क्योंकि उसके बगैर नोटिफिकेशन ऐसे वीडियोज़ की नहीं मिलेंगी। फिर मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक सीखना।